और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी 3 दिनों के लिए काशी में रुक सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 से 5 मार्च तक काशी में रुक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर न्यूज 18 की यतेंद्र शर्मा की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए काशी में रुक सकते हैं, रैली को वो संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम के रोड शो पर भी काम हो रहा है, यानी कि 2 या 3 दिन तक काशी में रुक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए। यतेंद्र, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल, पूर्वांचल को साधने के लिए एक मेगा प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। इसमें इस प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 दिन यानी कि 3 से 5 मार्च तक बनारस में रुक सकते हैं, और बनारस ही पूरे पूर्वांचल में उनकी रैलियां वहां से आयोजित की जाएंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है, और इसके दौरान एक बड़ा रोड शो भी वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का प्लान है कि पूरे पूर्वांचल को प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से साधा जाए और एक बार फिर से योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ लाया जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लेने की पूरी योजना बीजेपी तैयार कर रही है। हालांकि इस पूरे प्लान को भी पीएमओ भेज दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की इस पर स्वीकृति मिलना भी बाकी है। जी यतेंद्र, यानी इसे मिशन पूर्वांचल माना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 33% सीटें, लगभग 33% सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचल से ही आती हैं, और ऐसे में 3 से 5 मार्च तक काशी में रुक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई रैलियों को भी वो संबोधित करेंगे, हालांकि औपचारिक ऐलान अभी इसका होना बाकी है।